निर्गमन की सीरीज के सातवें अध्याय पे पहुंच गए। सातवें अध्याय में हम पहुंच गए और पिछले हफ्ते आपको बताया हमने, पिछले सप्ताह देखा था कि परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैं सुन तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, है ना। हमने देखा कि परमेश्वर से आप ठहरना क्या होता है, परमेश्वर सा ठहरना, परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर सा ठहरना क्या होता है। हम उसके क्या हैं, हार्डवेयर हैं, क्या हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जानते हैं, हम उसके हार्डवेयर हैं और उसका आत्मा हमारे अंदर सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल है ना। उसका आत्मा हमारे अंदर सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल है और अब क्या होता है कि हम उसके प्रोग्राम में ऐसे फिट हो गए कि चेले जहां जहां जाते लोग उनकी छाया से क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। ये परमेश्वर सा ठहरना हुआ, ये परमेश्वर सा ठहरना हुआ, एक हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम कर रहा है ना। और परमेश्वर ने क्या किया था, हम सबको अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में क्या किया, बनाया। उत्पत्ति की किताब इस बारे में कहती है, इसलिए परमेश्वर को इस बात से कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी कि मैं तुझे क्या ठहराता हूं, परमेश्वर सा ठहराता हूं, क्योंकि हम सबको क्या किया उसने, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में ही बनाया है ना। इसलिए उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को ठहराया परमेश्वर सा और हारून को ठहराया नबी। हमने पढ़ा ना सातवां अध्याय पहला पद, सातवां अध्याय पहला पद में परमेश्वर ने मूसा को ठहराया क्या, परमेश्वर सा और हारून को कहा कि ये तेरा नबी ठहरेगा, है ना। परमेश्वर सा हुआ मूसा और परमेश्वर के वचन सा हुआ हारून, है ना। क्योंकि सारी बातें क्या थी, कम्युनिकेशन की थी, मैंने आपको बताया था सारी बातें क्या थी, वचन की थी, वचन के जरिए ही क्या होना था, सारी बातों का विस्तार होना था। परमेश्वर सा आपका मूसा ठहर गया और परमेश्वर का वचन सा हारून ठहर गया, है ना। और दूसरे पद में कहा है जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा, तुझे दूंगा तू वही कहना और उसे हारून फिरौन से कहेगा, ये लिखा है। परंतु मैं फिरौन के मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा, परंतु मैं क्या कर दूंगा, फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। मैं फिरौन के मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। इस बात को अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपको फिरौन नजर आएगा ना, आपको बड़ा धीरज मिलेगा इस लाइन से कि मैं फिरौन के मन को क्या करूंगा, कठोर कर दूंगा। आपका जो टेंपर का लेवल बढ़ा होगा ना, वो टेंपर आपका लेवल घट जाएगा इस बात से कि मैं फिरौन के, देखो जिस दिन से इस पद को हमारे मन में आया, तब भी जब भी आप फिरौन को देखते ना किसी को भी, तो आपके मन में थोड़ा सा इतना खौलता नहीं होगा कम, मुझे ऐसा लगता है ना, आपका खून इतना नहीं खौलता होगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा कि मैं फिरौन के मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा। एक तरफ हमने बताया था, एक तरफ परमेश्वर मूसा से कहता है कि क्या कर, जा और उसको बोल कि मेरे लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, और दूसरी तरफ से फिरौन के कान में कहता है इनको मत जाने देना, इनको क्या करना, मत जाने देना। क्यों मत जाने देना, इस बारे में भी हमने चर्चा की थी कि क्यों परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर एक ट्रेनिंग के तहत, एक मूसा हारून और इसराइलियों की ट्रेनिंग चल रही थी, है ना। परमेश्वर उनको इतना मजबूत कर देना चाहता था कि आगे उनके सामने चाहे कैसा भी जंगल आए, चाहे कैसा भी लाल समंदर आए, वो स्थिर रह सके। इसलिए ये ट्रेनिंग का पार्ट था, ये एक उपकरण था फिरौन, एक उपकरण था फिरौन को, एक अपरेटस की तरह परमेश्वर यूज कर रहा था। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसके मन को क्या करूंगा, कठोर कर दूंगा। इस बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है ना, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। फिर लिखा है और मैं अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश, आप देखते रहिए वहां पे जहां जहां लिखा है ना, मैं अपने उत्पत्ति निर्गमन की किताब उसका सातवां अध्याय
तीसरे पद में हूँ और लिखा है मैं और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। हमने पिछले ही सप्ताह इन चिन्ह चमत्कारों के विषय में जाना, ये चिन्ह चमत्कार जो होते हैं ये खास प्रभाव नहीं डालते, है ना, ये प्रभावशाली नहीं होते। वचन कहता है कि प्रभावशाली अगर है कुछ तो वो वचन है, जो परमेश्वर की ओर से होता है वो वचन प्रभावशाली होता है। आपके लाइफ में चिन्ह चमत्कार ज्यादा प्रभाव नहीं डालते, है ना। चमत्कार और चिन्ह तो हमने देखा था, क्या नाम थे उनके दोनों के, यन्नेस और यम्नेस भी कर सकते थे, मिस्र के दो जादूगर जो थे ना, तंत्र मंत्र करने वाले, उनका नाम यन्नेस और यम्नेस भी क्या कर सकते थे, चमत्कार कर सकते थे। सांप बनाया मूसा ने और उसने भी क्या कर दिया, सांप बना दिया, है ना। तो चमत्कार तो बहुत सारे लोग कर सकते। देखिए चमत्कार का उद्धार से कोई कनेक्शन नहीं है, उद्धार तो सिर्फ कौन करेगा, उद्धार करता ही कर सकता है। हालेलुया, उद्धार सिर्फ उद्धार करता ही कर सकता है, चिन्ह और चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। लिखा है चिन्ह और चमत्कार दिखाऊंगा तो भी फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, कोई इफेक्टिव ही नहीं लगता उसको इस बात, है ना, तो भी तुम्हारी फिरौन नहीं सुनेगा, है ना। चिन्ह और चमत्कार से छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना। चिन्ह और चमत्कार हमने बताया था कि दाऊद के नगर में सबसे बड़ा सुसमाचार क्या था, दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए म्यूजिशियन जन्मा है, आज तुम्हारे लिए एक तांत्रिक जन्मा है, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आनंद, बड़े 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 आनंद का सुसमाचार क्या है कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, है ना। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए यीशु मसीह ने आके, लेकिन वो उनमें से कोई भी उद्धार का कारण नहीं था। उद्धार का कारण तो उसका लहू बहाना था, उद्धार का कारण तो उसका क्रूस पे टंग जाना था, उद्धार का कारण उसका अपना बलिदान देना था। मैंने आपको बताया था कि दो चोर लटके हुए थे, है ना, एक एग्जांपल दिया था, एक को चिन्ह चमत्कार चाहिए था, वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो मुझे भी उतार और अपने को भी उतार दे, को चिन्ह चाहिए था, और दूसरे को उद्धार चाहिए था। उसने कहा कि जो जब तू आए तो मुझे क्या रखना, अपने राज्य में स्मरण रखना। और हमने देखा कि यीशु ने उद्धार किसका किया, जिसको उद्धार चाहिए, और उसने कहा कि आज भी तू मेरे साथ कहां होगा। सोचिए आपको ऐसा कहां मिलेगा, मैं फिर से निर्गमन की सीरीज में हूं, आपको कहां ऐसा मिलेगा कि आपके सवाल से पहले आपको जवाब मिल जाए, आपके सवाल से पहले आपको आंसर मिल जाए। मूसा फिरौन के पास जाता है, कहता है मेरे लोगों को जाने दे, और फिरौन जाने नहीं दे रहा। तो मूसा सोच रहा है यार क्या बात है, क्यों नहीं जाने दे रहा, क्यों मेरे लोगों, क्यों उनको निकल के जाने नहीं दे रहा, क्यों ऐसा बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इस सवाल का जवाब तो पहले से क्या कर दिया था, मूसा को पहले से ही सवाल का जवाब दे दिया था कि फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, है ना। ये जब आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम से पढ़ेंगे, तो आप इस बात को महसूस कर लेंगे कि परमेश्वर ने इसका जवाब तो पहले से मुझे लिख के दे रखा है कि मुझे कि तुम्हारी फिरौन नहीं सुनेगा, फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये जवाब हमें पहले से ही लिखा हुआ मिला है, परमेश्वर ने तो पहले ही बता दिया था कि मैं उसके मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा, मैं उसके मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा। और भैया इसके पास तुम्हें बोलना जरूरी है, ऐसा नहीं कि तुम बोले ही मत, इसके पास तुम्हारा बोलना जरूरी है, लेकिन जवाब तो तुम्हें मैंने दिया है, है ना, जवाब तो तुम्हें मैंने दिया है। चौथे पद में लिखा है और मैं मिस्र देश में अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इसराइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल दूंगा, निकाल। देखिए देरी, निराशा, कठोरता परमेश्वर के प्लान को खत्म नहीं कर सकती,
घिरी निराशा होगी, कठोर आपके विरुद्ध लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर के प्लान से बाहर हो गए या परमेश्वर ने जिस वाचा के तहत आपको रखा है ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो गए। आप उस यात्रा में हैं और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको किनारे कर दिया। आप उसकी प्लानिंग का तब भी हिस्सा है, आप हमेशा उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। जो वाचा उसने बांधी है, जो बात उसने कही है, भले आप अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, भले आप सामने नहीं आ रहे, भले आपको फिरौन ने रोक रखा, जाने नहीं दे रहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसकी वाचा से बाहर हो गए। आप उसकी वाचा में अभी भी बंधे हुए, आप उसकी वाचा में अभी भी शामिल हो गए। दुनिया भूल जाएगी लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण रखता है। हमने किसमें पढ़ा है, भजन संहिता की किताब में पढ़ा कि परमेश्वर अपनी वाचा को हजारों सालों से पीढ़ियों तक क्या करके आया है, स्मरण रखते हुए आया है ना। और उसने कहा मैं मिस्रियों को क्या दूंगा, भारी दंड दूंगा, और ये वाचा उसने उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय के 14वें पद में बांधी। उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 14वें पद में उसने कहा था कि मैं उनको क्या करूंगा, अपने लोगों को निकाल, क्या लिखा जरा पढ़ना, अपने लोगों को निकाल दूंगा। कुछ इस तरीके से लिखा है कि दंड देकर कुछ इस तरीके की बात लिखी है। पुआल भी नहीं मिलेगा,
अब तुम ऐसी ईंटें बनाओ। ये तो बेचारे बिना पुआल के बिना आग के ईंटें बनाने वाले हैं और परमेश्वर इनको टाइटल दे रहा है सेना, मेरी सेना। ये कैसी सेना है? ये कैसी सेना है जो दुर्दशा में पड़ी हुई है और परमेश्वर कहता है मैं अपनी सेना को वहां से क्या करूंगा, निकाल के ले जाऊंगा, है ना। देखिए दुनिया की नजरों में भले आप ईंटें बनाते होंगे, बहुत छोटा सा काम करते होंगे, है ना, दुनिया की नजरों में आप भले कुछ कुछ नहीं हो, है ना, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप उसकी सेना हो, परमेश्वर की नजर में आप उसकी सेना हो। दुनिया की नजर से अपने आप को, मैंने कई बार आपको देखा बोला है इस बात को कि अपने आप को दुनिया की नजर से देखना बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर की नजर से देखना शुरू कीजिए, जिसने कहा कि तुम मेरी दृष्टि में क्या है, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। इस नजर से अपने आप को जब हम देखेंगे हमको दुनिया छोटी नजर आने लग जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी दृष्टि में अपनी सेना ठहराया, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। हालेलुया, है ना। और आपको पता है इफिसियों 6 कहता है कि हम उसकी सेना है और हमारे पास वो हथियार, सेना के पास हथियार होते हैं, सेना बिना हथियार के नहीं होती है। परमेश्वर ने कहा कि हमारे पास वो हथियार हैं, जो हथियार परमेश्वर ने दे रखे हैं उनको क्या कर लो, बांध लो, उनको क्या कर लो, बांध लो। और आपको पता है वो क्या क्या हथियार है, है ना, सत्य की लिखा है, सत्य की क्या, कमर पटु का, सत्य का क्या है, कमर बांध के कह सकते हैं, धार्मिकता का क्या, झिलम और धार का टोप और मेल के सुसमाचार की जूतियां और विश्वास की ढाल, है ना, आत्मा की तलवार जो कि क्या है, परमेश्वर का वचन है, उसको ले लो। हमारे पास ये हथियार है, हथियारों से लैस आप हो, इज़राइल की आर्मी हुआ, है ना, हथियारों से लैस हम परमेश्वर की सेना है, है ना। हमको भले मिस्री लोग गुलाम समझे, मिस्र में है हम और मिस्र में हमें भले गुलाम समझे जाए, लेकिन हमें परमेश्वर कहता है मैं अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकालूंगा। और तब मिस्री जान लेंगे कि मैं क्या हूं, यहोवा हूं, है ना। और फिर इससे आगे अगर आप देख रहे होंगे बाइबल में, तो हमने इससे आगे चर्चा की थी कि चमत्कार से कैसे वो मूसा लाठी बनाता है, हारून की लाठी से कैसे अजगर बनते हैं, और तंत्र मंत्र करने वाले की लाठी भी क्या बन जाती है, अजगर बन जाती है। असल में अजगर तो वहां पे होते नहीं है मिस्र में, वहां पे सरपंट होते हैं जो कि अदन की वाटिका में था, वही चीज मिस्र में होती है, अजगर होते हैं, है ना, इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में सही है। और लिखा है कि हारून की लाठी ने क्या किया, तंत्र मंत्र करने वालों की लाठी को क्या कर लिया, निगल लिया, तंत्र मंत्र करने वालों की लाठी को क्या कर लिया, निगल लिया, है ना, यही तो होता है ना। देखिए आपके खिलाफ चाहे कोई कितना भी जहर रोक ले, हमारे पास परमेश्वर ने ऐसा लाठी दे रखा है जो हर तंत्र मंत्र करने वाला हर एक जहर को पचा सकता है, पचा सकता है, हालेलुया। उस जहर वाली बहुत सारे लोगों की बातें ही बहुत जहर भरी होती है, ऐसा उड़ उड़ के जहर फेंकते हैं। मैंने कुछ समय पहले सपना देखा, दो तीन दिन पहले कि यहाँ पीछे सांप आ रहे, सांप ही सांप, मतलब एक तो बहुत ही खतरनाक सांप था, दांत उसके ऐसे और उसके छोटे छोटे पंजे थे, ऐसा सांप का मैंने सपना देखा, यहाँ पीछे से आ रहा था। और पहले एक आदमी और था तो उसे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन मारा नहीं, और मैं क्या, मैंने उसकी खोपड़ी में मारा और इतना गड्ढा गहरा था और नीचे पानी था बहुत गहरा, उस गड्ढे में जैसे तख्ते लगा रहे थे उसके नीचे गड्ढा, और वहां मार के उसको फेंक दिया,
वहां जाके वो नीचे गिर गया, उन तख्तों के नीचे बहुत पानी जैसा कुछ था, वहां वो गिर के मर गया, है ना। चाहे कैसे भी जहर वाल उगलने वाले आपके खिलाफ आपके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी में हो, परमेश्वर ने हमें उनको निगलने की, उनकी बातों को और उनको निगलने की शक्ति दे रखी है। लिखा है कि उसने क्या कर दिया, उन सांपों को क्या कर लिया, निगल लिया, जो तंत्र मंत्र करने वाले बना रखे थे, है ना। हम तो परमेश्वर की सेना है और उसकी आत्मिक हथियारों से लैस है और उसके लहू में ढके हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा पिछले हफ्ते जो उन्होंने बच्चे ने वो डाला गले में कुछ डाल रखा था, तो मैंने कहा था कि इससे कुछ नहीं होता, ये इससे बढ़कर हमारा ये है कि जब हम यहाँ आ गए तो हम परमेश्वर के लहू में कवर्ड होते हैं। अब कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति और कुछ भी नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने देखा कि उन्होंने उसको रिलीज किया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए, क्योंकि हम उसके लहू में सुरक्षित हैं। आप उसके हाथ के नीचे हैं और उसके लहू में। अभी हमने गाना सुना ना कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, और अपना हाथ देखिए कहां से आपको अटैक हो सकता है, आगे पीछे से और ऊपर से, चारों तरफ से तो परमेश्वर ने हमें घेर रखा है। हम कहीं से भी किसी भी कब्जे में नहीं आ सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के लहू में ढपे हुए लोग हैं, है ना। हम उसकी सेना है और हम आत्मिक हथियारों से लैस हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपका ध्यान 16वें पद पे ले जाना चाहता हूं, निर्गमन की किताब और उसका 16वां पद, 14 से चलो 14 से पढ़ लो, 14 से 16 तक पढ़ लो, कोई भी 7वां अध्याय उसका 14 से 16वां पद। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाएं और उस फाइनेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप एक अच्छे पोस्ट में आ जाएं और उस पैसे का आप दुरुपयोग करें, उस अच्छी पोजीशन का आप दुरुपयोग करें, इसलिए परमेश्वर आपको मिस्र से निकाला है। देखिए, परमेश्वर इनको अपनी वाचा के तहत क्या कर रहा है, मिस्र से निकाल रहा है, लेकिन उसका एक पर्पज भी है इसके साथ जुड़ा हुआ, आप समझ रहे हो, उसका एक पर्पज भी है। आपको पता होगा कि इज़राइल के जो 70 घराने थे, 70 लोग थे, सब खत्म हो गए और ये गुलामी में आ गए। अब एक परमेश्वर का एक पर्पज है कि ये मेरी क्या करेंगे, उपासना करेंगे। इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि परमेश्वर
क्यों मिस्र से निकालना चाहता है कि ये मेरी उपासना करेंगे, है ना। आज हमारी हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई फिरौन क्या है, काबिज हो रखा है, कोई ना कोई फिरौन क्या है, काबिज है, और वो हमें मिस्र में ही उठा के रखता है, है ना। चाहे आपके परिस्थिति हो घर की, चाहे आपका वर्क प्लेस में कोई परिस्थिति हो, चाहे आपका कोई जानने वाला हो, चाहे आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बॉस हो, कोई ना कोई फिरौन क्या है, हमें उलझा के रखता है, क्योंकि हमारा मिस्र से निकलने का पर्पस क्या है, हमारा मिस्र से निकलने का पर्पस क्या है क्लियर नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन से स्पष्ट कह देना कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि जंगल में वो क्या करेंगे, मेरी उपासना करेंगे। पर्पस क्लियर हो गया ना, क्योंकि जंगल में वो मेरी क्या करेंगे, उपासना करेंगे। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में फिरौन से ये स्पष्ट कह दिया कि हमको जाने दे, हमको निकलने दे, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की उपासना करना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर की उपासना, या आपने मन में इस बात को ठान लिया कि मैं निकलना इसलिए चाहता हूं क्या, ताकि मैं क्या करूं अपने परमेश्वर में जॉब में प्रॉस्पर इसलिए होना चाहता हूं ताकि मैं क्या करूं अपने परमेश्वर की उपासना कर सकूं, ताकि मैं अपना बिजनेस इसलिए ग्रो करना चाहता हूं, इसलिए बढ़ाना चाहता हूं ताकि जो दर्शन परमेश्वर ने निकासी का दे रखा है, जो छुड़ाने का दे रखा है, उस काम से मैं परमेश्वर की क्या कर सकूं, उपासना कर सकूं। तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में कोई फिरौन रुकावट पैदा करे। हालेलुया। आपको एक स्त्री की बात याद होगी, हन्ना की, है ना। अन्ना परमेश्वर के मंदिर में, आप पढ़ना सैमुएल की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ना, उसी में आएगा। अन्ना क्या करती थी, प्रत्येक वर्ष परमेश्वर के मंदिर में आती थी, रोती थी कि उसको बेटा मिल जाए, है ना, ताकि उसकी सौतन का क्या हो जाए, मुंह बंद हो जाए। पर्पस देख रहे हैं आप, ताकि क्या हो जाए, उसकी सौतन का मुंह बंद हो जाए और वो भी दिखा सके कि वो बेटा जन्म सकती है, वो दिखा सके कि वो बेटा जन्म सकती है, है ना। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हमको ऐसा कोई शक्ति मिल जाए, या ऐसा कोई टैलेंट मिल जाए, या ऐसा कोई कुछ भी किक मिल जाए जिससे क्या है हम प्रॉस्पर हो जाए, हम दिखा सके इस लैब के इंचार्ज को कि भैया तुझसे ज्यादा मैं कमा रहा हूं, है ना, हम दिखा सके कि भैया तुमसे ज्यादा प्रॉस्पर तो मैं हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रॉस्पर किया है, लेकिन उसका रीजन क्या है कि मैं दिखा सकूं, मैं उसको दिखा सकूं कि मैं भी कर सकता हूं। हन्ना ने कहा मैं सौतन को एक बार दिखाना चाहती हूं कि मेरे भी क्या हो सकते हैं, बेटे पैदा हो सकते हैं, हम को कुछ ऐसा मिल जाए कि हम दुनिया को दिखा सके, हम दुनिया को क्या कर सके, दिखा सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ, प्रत्येक वर्ष आती रही मंदिर, रोती रही, जाती रही। लेकिन जिस दिन हन्ना ने कहा, पढ़ लेना उस बात को, जिस दिन हन्ना ने कहा कि महाराज अगर मेरा बेटा होता है, अगर मेरा बेटा हुआ तो उसको जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी, हालेलुया, उस दिन मैं उसको यहोवा के लिए अर्पण कर दूंगी। और ये पर्पस तो परमेश्वर चाहता था, ये पर्पस तो परमेश्वर चाहता था। और जिस दिन, हालेलुया, जिस दिन उसने ये बात बोली, उस दिन सैमुएल का गुप्त स्थानों में रचा जाना शुरू हो गया, हालेलुया, सैमुएल का बेटा तो एक आकार में होना शुरू हो गया, हालेलुया, है ना, उसका रचा जाना शुरू हो गया, परमेश्वर की योजना का एक आकार बनना शुरू हो गया। परमेश्वर उस सैमुएल को न जाने कब से लाना चाहता था, लेकिन जरूरत ये थी कि हन्ना ये कहे कि जिस दिन वो सैमुएल हो गया, मैं उसे क्या करूंगी, तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, है ना। उसी दिन परमेश्वर ने
हन्ना को उसके मिस्र से छुड़ा लिया। उसी दिन हन्ना अपने मिस्र से छूट गई। और दूसरा अध्याय के पहले पद में अगर आपने अनिल गांधी गजल सुनी होगी, मेरी रूह खुदा में क्या है, मगन है। हन्ना की प्रार्थना अगर आपने सुनी होगी, मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया, ये हन्ना की प्रार्थना है। परमेश्वर ने उसके सर को बुलंद किया और उसको उसके मिस्र से छुड़ा दिया, उसको वहां से आजादी दे दी। जब परपज क्या हुआ, क्लियर हुआ। देखिए, परमेश्वर का एक उद्देश्य है हम सबको छुड़ाने का, है ना। आप चाहे कैसे भी मिस्र में क्यों ना हो, है ना, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको इस बात का क्लियर होना चाहिए कि हमको परमेश्वर क्यों छुड़ाए, हमको हमारा छुड़ाया जाना क्यों जरूरी है, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा कि पास के गांव में जाओ और वहां तुम्हें क्या मिलेगा, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। वहां तुम्हें क्या मिलेगा, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। और फिरौन पूछेगा तुमसे, फिरौन पूछेगा तुम इसे क्यों खोल के ले जा रहे हो, दुनिया पूछेगी आप क्यों इसको खोल के ले जा रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है। छुड़ाए जाने का मकसद क्लियर हो गया, छुड़ाए जाने का मकसद क्लियर हो गया कि क्यों गधी के बच्चे को छुड़ाया जा रहा है। और लिखा है कि तब वो तुमको जाने देंगे, तब वो क्या करेंगे, तब वो मना नहीं कर पाएंगे। प्रयोजन क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमको अपनी आजादी का प्रयोजन पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमको क्यों छुड़ाए, क्यों हमको छुड़ाना चाहता है। हमको इस बात का मकसद पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमको क्यों छुड़ाए। मेरी प्रजा के लोगों को क्या करो, जाने दे, जिससे वे क्या करेंगे, जंगल में मेरे क्या करेंगे, उपासना करेंगे। आप उसकी प्रजा हो और आपको परमेश्वर क्यों छुड़ाया अपने मिस्र से, क्यों छुड़ाना चाहता है मिस्र से, ताकि आप जंगल में उसकी क्या कर सको, उपासना कर सको। कहाँ, जंगल में। अच्छा, तो आप उपासना करते हैं, फिर लोग आएंगे दूसरे किस्म के। अच्छा, तो उपासना, आप उपासना करते हैं तो कुछ फंड वंड मिलता है क्या आपको, वहाँ जंगल में उपासना करने का कुछ फंड वंड मिलता है। अच्छा, नहीं तो सैलरी तो बंधा ही होगा कि खाली गिटारी बजाते रहते हो आप, है कुछ तो बंधा होगा, कुछ तो मिलता होगा। अरे भाई साहब, आप कहिए, भाई साहब हम क्या है, जंगल में जा रहे हैं उपासना करने को, वहां ना तो सैलरी मिलेगा, वहां तो सैलरी मिलेगा ना तो कोई कमेटी है, वहां ना तो कोई कमेटी है, ना वहां कोई चर्च फंड है, ना वहां कोई ट्रेजरार का पद है, वहां कुछ नहीं है, है ना, वहां कुछ नहीं है। अंतिम बात मैं आपको बताता हूँ, उस जंगल में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन उन जंगली दरख्तों के दरमियान आपको क्या मिलेगा, हालेलुया, उन जंगली दरख्तों के दरमियान वहां एक ऐसा सेब का पेड़ है जिसमें से हमें जीवन का फल खाने को मिलेगा। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ, हालेलुया, जिसमें हमें जीवन के फल को खाने को मिलेगा। वहां जंगली दरख्त भले हो, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक सेब के पेड़ के समान हमारे पास रखा है, हमको दिया है, जिसमें से हमें खाने को मिलेगा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आज हमारा छुड़ाए जाने का पर्पस क्लियर किया। परमेश्वर ने क्या किया है, आज हमारे छुड़ाए जाने का पर्पस क्लियर किया है कि क्यों परमेश्वर हमें हमारे मिस्र से, हमारे फिरौनों से छुड़ाना चाहता है। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में क्या कर सके, मेरी उपासना कर सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, और ताली बजाएंगे इस बार परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।